यस सो आज टर्न था इसका सिक्स्थ क्वेश्चन का, ठीक है, फिफ्थ का, ठीक है, सो वी डील विद द फिफ्थ क्वेश्चन सर. अब याद आ रहा है कमलेश, मेरा हेडफोन थोड़ा खराब हो गया था तो सही कर रहे थे उसको. ठीक है, सो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन. कॉस एफेक्ट टाइम क्या दिया है, 8:30 से 8:50 क्वेश्चन. सो 8:30 टू 8:50 मतलब कि कितना हो गया, 20 मिनट्स, राइट. भाई एक सीधी सी बात समझेंगे, सपोज इफ यू आर लीविंग आर होम एट 8:30 एंड वी रीच अ प्लेस एट 8:50 तो हम क्या कहते हैं, 20 मिनट लगे हमें वहां पहुंचे, तो ये कैसे आता है, 8:50 में से 8:30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में 20 मिनट्स बचते हैं. ठीक है, तो टाइम 20 मिनट्स हो गया और ओडोमीटर की रीडिंग 1 क्या है, ओडोमीटर की रीडिंग क्या है अंजलि, 57,600. ऑनलाइन स्टूडेंट्स शांत रहेंगे, पहली रीडिंग क्या है, फाइव सेवन थ्री टू वन और अगली रीडिंग क्या है, पॉइंट जीरो. अगली रीडिंग क्या है, रीडिंग इसकी ओडोमीटर की, फाइव सेवन, ठीक है, सिक्स क्या है, फाइव सेवन थ्री थ्री सिक्स, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, पॉइंट जीरो, ये बात हो गई. अब हमें पता कैसे लगता है, सबने देख रखा है आपके घर में फादर का आपके जो व्हीकल होगा, सपोज इट्स अ टू व्हीलर और अ फोर व्हीलर, तो उसमें हम कैसे पता लगाते हैं कि घर से जैसे नानी का घर कितनी दूर है, तो अगर रीडिंग जाते समय हम देख लेते हैं फिर वहां पहुंच के जितनी होती है, तो बाद वाली रीडिंग में से अगर हम पहली वाली रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करते तो हमें पता लग जाता है कि नानी का घर इतने किलोमीटर है सपोज. तो यहां हमें भी सेम वही करना है, हमें 57336 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट कर देना, 57321 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 15 किलोमीटर. ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, हाँ अपडेट हो गया, ठीक, अब क्या पूछ रहा है, द नेक्स्ट थिंग दैट इट्स आस्किंग इज कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट. तो अब टाइम हमारे पास मिनट्स में है और डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में, तो डायरेक्टली निकल जाएगा. तो हमने क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 15 अपॉन कितने मिनट्स है, 20. तो मतलब 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, कितना आ गया, 0.75 किलोमीटर पर मिनट. यही आएगी मिनट्स के हिसाब से अगर देखें. और लास्ट में क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आर ऑल्सो, 40 किलोमीटर पर आर. ठीक है, कैसे आएगा, कैसे आएगा, 0.75 किलोमीटर पर मिनट को हमें चेंज किसमें करना है, किलोमीटर पर आर में. तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर में पीछे चलेंगे. एक एक्सरसाइज की थी हम लोगों ने,
जिसमें हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो क्या किया था 1000/60×60, ठीक है। लेकिन इस बार क्या करना है, मीटर किलोमीटर पर मिनट में पहले से, और हमें चाहिए किसमें किलोमीटर पर आवर में, तो मतलब किलोमीटर का अगर किलोमीटर ही रहना है तो 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर सेकेंड टू मिनट करना है, सेकेंड टू आर करना है, तब 60×60 का आता है, अदरवाइज वी यूज ओनली 160, एक ही 60 का यूज आएगा। तो क्या होगा, कैसे करेंगे, 0.75 किलोमीटर पर मिनट है, तो हम अगर 20 मिनट्स को आर में करना है तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं, 1 आवर, तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 1/60, ठीक है। 20 मिनट्स में कितने आवर्स हो जाएंगे, 1/60×20 कितना आ जाएगा, 2×3, मतलब कि 1/3 आवर्स बचेंगे। अब अगर इसे किलोमीटर पर आवर में करना है तो जहां पे हमने मिनट्स रखे थे उसकी जगह 1/3 आवर्स रख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब किसने किसने मैथ्स में ये पढ़ रखा है कि फ्रैक्शन होता है a/b, ठीक है, क्या हम फ्रैक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a/b/c लिख सकते हैं, ऐसे क्या करते हैं ऐसे में, सर ऑल नहीं स्टूडेंट्स अनलेस एंड अंटिल आई कॉल यू नेम कोई आंसर नहीं, ठीक है। अगर कुछ नहीं है किसी के नीचे, सपोज इफ इट्स रिटन ए, तो हम ये भी तो लिख सकते ना a/1, बात वही रहेगी। तो अगर यहाँ सी है, सी के नीचे कुछ नहीं, तो हम c/1 लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक मैथ में रूल हमने ये भी पढ़ा है ना कि जो सबसे नीचे वाला होता है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये पढ़ रखा है सबने, ठीक है। अब इसका यूज है थोड़ा सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, में डिस्टेंस है हमारा 15 किलोमीटर और आवर्स में जब हमने टाइम निकाला तो क्या 1/3 आवर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, 50 यहाँ बड़ी वाली लाइन ये है, ठीक है, तो 15 के नीचे कुछ नहीं, तो अगर उसको 15/1 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम, और यहाँ पे क्या है 1/3 है, तो क्या 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 45 की 40, 45 फिर ऑनलाइन बिना बोले नहीं मानेंगे। रुद्र, रुद्र अब तुम ही बताओ सर, आंसर सर, सर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 45 किलोमीटर। हाँ कैसे आएगा वो सर, सर बाय सर आपने सर जो फॉर्मूला बताया सर, उससे सर हमने सर 3 को सर 15 से मल्टीप्लाई करें तो सर 45 किलोमीटर पर आवर आया, और सर 1 को 1 से करेंगे तो सर सर नीचे अपॉन में 1 आ जाएगा, और सर 1 की जब सर डिनोमिनेटर में 1 होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो सर 45 किलोमीटर पर आवर आया। बोलोगे अगर ऐसे ही मैं पढ़ाने लगूं जैसे तुम बोल रहे हो तब तो फिर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा। थैंक यू नाउ विवेक, डू यू हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशन, नहीं आएगा बिल्कुल सही। कुछ अंकित कुछ गलती हो रही है कि नहीं सर, नो सर कुछ तो गलती हो रही है सर, एक बार वापस डिस्प्ले करने सर वो पेंट की स्क्रीन सर, तब फिर तुम क्या बीच में बोल रहे थे, आई हैव हर्ड योर वॉइस यशमित, यस सर, डू यू हैव द सॉल्यूशन, नो सर नहीं है, और कोई आंसर करना चाह रहा है ऑनलाइन से रेज योर हैंड, विवेक आई कैन सी योर हैंड इज रेज, डू यू हैव अ सॉल्यूशन, नहीं है, अंकित यस यस सर, सर आई कैन टेल सर व्हाट इज द सॉल्यूशन सर, द इफ चेंज द आंसर इन किलोमीटर पर आवर, सो आंसर विल बी 45 किलोमीटर पर आवर सर, आई कैन टेल आल्सो आई हैव डन द सॉल्यूशन टू सर, एज यू टेल्ड आफ्टर एज यू टोल्ड सर, एज यू टोल्ड सर, एट 1/3 आवर इट विल बी बिकॉज 20 मिनट इज इक्वल टू 1/3 आवर्स, सो वी एज द रूल ऑफ डिविजन इन मैथ्स
the second fraction will be reciprocal. So it became 15 upon 3, 15 into 3 upon 1. So when we will going to multiply it, it becomes 45 kilometer. अच्छा सही है, मतलब the solution is correct. Yes sir. Yes sir. किसी को कोई और problem इसमें? भविष्य, do you agree with the solution? Yes sir, I agree with the solution. ठीक है, thank you. उसके अलावा विवेक, you are raising your hand. विवेक तुम्हारी आवाज नहीं आई, प्लीज लिफ्ट अप योर फोन अ लिटिल बिट. कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? यस आई विल. इतनी बात सबको समझ में आ गई. अंकित कुमार से, डू यू हैव एनी डाउट और डू यू हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशन? नो सर. अच्छा, और किससे पूछ ले? अर्पिता, डू यू अंडरस्टैंड? कोई जवाब नहीं आया. पूरे सुन ले. नमन, नमन, नमन फ्रॉम क्लास 7B. कोई जवाब नहीं है. These students are not attending the class properly. Excuse me, sir. Yes, Ashita. Sir, my mic was not opening, sir. I did not understand answer. Sir, you did not understand. ठीक है. No, sir. उसके बाद कौन है? श्री, श्री मिश्रा. Yes, sir. Solution समझ आया? नहीं आया? या कोई तुम्हारे पास better solution है? प्लीज वन मोर टाइम एक्सप्लेन. वन मोर टाइम एक्सप्लेन. ठीक है, नाउ शैल वी मूव ऑन. तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले क्या था? टाइम हमें मिला. देखो ये सवाल बेस्ड है किस पे? एक फॉर्मूले पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, अगर सब लोग देखेंगे तो सबसे पहले कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट. तो टाइम हमारे पास मिनट्स में है और डिस्टेंस किलोमीटर में. तो सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देंगे अगर हम, तो डिस्टेंस किस में था? किलोमीटर में. टाइम था मिनट में, तो जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर मिनट में. ये इतनी बात की है. ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें तो ये बोल रहे ऑल्सो कैलकुलेट दी आंसर इन किलोमीटर पर आवर. मतलब जो ये किलोमीटर पर मिनट में है ये इन्हें आवर में चाहिए. तो ये कैसे होगा? जो टाइम हमने मिनट्स में रखा था अगर हम इसे आवर्स में पुट कर रहे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. ठीक है, स्क्रीन शेयर. यस, दिस 20 दैट वी हैड पुट इन मिनट्स इन द फॉर्मूला, अगर हम इसे घंटों में रखते तो हमारा आंसर आ जाए. ठीक है, तो बात क्या है कि एक घंटे में कितने मिनट्स है? 60. तो मतलब 60 मिनट्स का एक घंटा है. ये सीधी सी बात. तो 20 मिनट्स कितने घंटों के बराबर? ये हमने निकाला. तो आया 1/3, ऑलमोस्ट सवा घंटे नहीं, उसका है नहीं, हिंदी वर्ड नहीं, 1/3 आवर्स के बराबर. कि मतलब अगर हम एक घंटे के तीन हिस्से करते हैं मिनट्स में तो एक 20 होता है. 20 + 20 + 20 कितना हो जाता है? 60. मतलब एक घंटा, तो 1/3 आवर्स के बराबर. तो सवाल हमने वही किया, वी डिडंट डू एनी मैजिक. हमने सिंपली इस बार क्या किया कि जो डिस्टेंस था वो 15 ही रखा, बस टाइम को इस बार हमने किसमें कर दिया? आवर्स में कर दिया, 1/3 रख दिया. तो जब 15 होल अपॉन 1/3 आया तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये 3 कहां चला जाएगा? इससे मल्टीप्लाई होगा. क्यों मल्टीप्लाई होगा ये मैंने यहां पे समझा दिया कि जब 15 के नीचे कुछ नहीं है तो फिर हम 15/1 लिख सकते हैं. ये कहां से आता है कि अगर a होल अपॉन b अपॉन c लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन 1 होल अपॉन b अपॉन c. तो अब इस केस में हमने क्या पढ़ रखा था फ्रैक्शन से? कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी यहां. ठीक है, तो यहां पे भी वही लिखा था, ए होल अपॉन बी अपॉन सी. तो ये सी कहां चला गया? ए के पास. और ये वन, ये जो बी था ये किसके पास आ जाएगा? वन के पास. तो अब 1 × 1 तो 1 ही जाएगा. 15 × 3 क्या आ जाएगा? 45 किलोमीटर पर आवर. क्या ये आंसर सही है? मुझे तो गलत लगा.
समझ में आ गया सर। नाउ रेज योर हैंड टू आस्क फॉर योर डाउट्स। किसी को कोई डाउट हो तो हाथ उठा ले अपना। शिवा कुमार सिंह म्यूट योर माइक। प्रियंका Yes, sir. So I want to ask that how time was measured when pendulum clocks were not available. How time was measured? ये अभी बात के discussion का। अभी we are dealing with the exercises। इस पे बाद में बात करेंगे। What's the next question? मतलब ये समझ में आ गया? अर्पिता, did you understand it? सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सर आपने कहा कि मिनट्स को हमें आर में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन में। हाँ। तो सर अगर हमारा मिनट जैसे कि हमें पता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो अगर सर हमारा मिनट परफेक्ट नहीं होगा तो सर हम उसे आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में छोड़ देंगे, फिर इसी तरह से फॉर्मूले में वैल्यू इनपुट कर देंगे। सपोज अगर ये 25 मिनट होता तो क्या होता, तब क्या करते हैं? 1/60 × 25 करते तब हमारे पास क्या बचता? अब यहाँ पे तो डायरेक्टली 1/3 बच गया, बट उस केस में क्या बचता हमारे पास? 5 × 5 = 25 and 5 × 12 = 60। तो क्या बचता हमारे पास? 5/12 बचता। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे वाला 3 तुरंत ऊपर जाके 15 से मल्टीप्लाई हो गया, इस बार क्या होता? 12 मल्टीप्लाई होता और जो आता उसे हमें 5 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो सिंपल जैसे हम लोग फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते थे। बात समझ आ रही है? अगर परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ये अच्छे से समझ में आ गया सबको? लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। इफ द बाइसिकल हैज अ स्पीड ऑफ 2 meters per second, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। अब देखो यहाँ पे फिर से मिनट्स और सेकंड दिख रहा है, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। क्या दिया हुआ है हमें? स्पीड दे रखी है कितनी? 2 meters per second उसके बाइसिकल। और क्या दे रखा है? टाइम उसे कितना लग रहा है? 15 मिनट्स। इतने ही लग रहा है? ठीक है, और पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम इस टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर ले तब आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में और ये मिनट में। तो 15 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे? 1 मिनट 9 and 16 भविष्य अंकित एंड दी अदर्स। डू यू वॉन्ट मी टू डिसेबल योर माइक फॉर द होल डे? कुछ तो इसका करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे का। कितने हो जाएंगे? 60 × 15 जो कि हमें कितना दे देगा? 3 × 0 = 0 और ये क्या आ गया? 900 से। मतलब अब क्या हो गया कि अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है और हमसे पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या ये टाइम स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा? मैथ में ये पढ़ रखा है, याद है ये सब? अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है और हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी? 2 meters per second इंटू टाइम क्या है हमारा? 900 सेकेंड। तो ये सबसे पहले जो सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा जो आंसर हमारे पास मीटर्स में, कितना आ जाएगा? 1800 मीटर।
अगर इसे किलोमीटर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800/1000, मतलब 1.8 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल, चाहे 1800 मीटर्स लिख देंगे चाहे 1.8 किलोमीटर लिख देंगे, बात वही रहेगी। समझ आ रहा है कितनों के ऊपर से उड़ गया एकदम? तुम्हें इसी फॉर्मूले में डाउट होगा या वाले पे? ये होता है, देखो थोड़ा सा और लिखते चलते हैं। एक फॉर्मूला हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्म लिया सबने, ठीक है। अब अगर यही हमें टाइम निकालना होता तो टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस सर, ठीक। अगर हमें कैलकुलेट करना है क्या डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला हो जाता है? जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये हो जाता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले होते हैं और ये आता कहां से? इसी फॉर्मूले से आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, पुराना मैथमेटिक्स भूल गए हो तो फिर ये याद कर लो, ठीक है। नहीं हो तो नोट कर लेना इसे अपने पास में, दोज वार ऑनलाइन कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ दे फील लाइक, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं। तो अभी वाला जो क्वेश्चन था हमारा उस पर कौन सा लग गया? ये वाला लग गया। दिस फॉर्मूला वॉज अप्लाइड इन दिस क्वेश्चन दैट वी वर जस्ट सॉल्विंग। स्पीड दे रखा था, टाइम ने रखा था, डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, तो हमने क्या किया? स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन किया, यही किया है ऊपर। बट हाँ, ध्यान ये रखना है कि जिस फॉर्म में स्पीड दी हो उस फॉर्म में टाइम को कन्वर्ट करके तब मल्टीप्लाई, मतलब हमारे पास 15 मिनट्स थे, हैड बी मल्टीप्लाई 2 × 15 तो आंसर गलत हो जाता, पहले सेकेंड्स में करना पड़ता, तब हमारे पास कितना आ गया था 1800 मीटर्स। या तो हम इस 2 मीटर पर सेकेंड को पहले किलोमीटर पर आर में या किलोमीटर पर मिनट में करते, वो बहुत लंबा पड़ जाता। आसान क्या था हमारे लिए कि हम मिनट्स को सेकेंड्स में करें, तो हमने सॉल्व किया। क्लियर हो गई ये बात? और लेट मी आस्क द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट? यस सर, यस सर। आई कैन सी 3 हैंड्स रेज। अनुष्का, अनुष्का सिंह, यू हैव रेज्ड योर हैंड। अर्पिता, आपने उसे किलोमीटर में क्यों सर कन्वर्ट कर दिया? किसे? जरूरी नहीं है, अगर करना चाहो तो कर लो, वरना नहीं। क्योंकि सपोज करो जगह कम है हमारे पास, 1800 लिखना है की जगह नहीं, तो 1.8 उसे छोटे में लिख सकते हो, वी हैव दी ऑप्शन, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में पूछ लिया होता कैन द डिस्टेंस इन किलोमीटर, तब तो करना ही पड़ता, ठीक है। अब अगर हमारे घर से स्कूल अगर 5 किलोमीटर है तो हम ये नहीं बोलते ना 5000 मीटर दूर है हमारा स्कूल, वॉट इज मोर कन्वीनियंट डिस्टेंस, हम नॉर्मली किलोमीटर्स नहीं बताते। और अगर उसे सेंटीमीटर्स में बता दे तो फिर और हो जाएगा, 5 लाख सेंटीमीटर दूर, तो हम छोटी वाली स्केल लेके नापेंगे थोड़ी, ठीक है। सो डिस्टेंस इज यूजुअली टोल्ड इन किलोमीटर्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन फॉलोइंग केसेस। अ कार मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड, अ कार पार्क्ड ऑन द साइड ऑफ अ रोड, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन, बट वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। कितने बजे तक था ये क्लास? 9:55, सो वी आर ऑलरेडी 10 मिनट्स बिहाइंड द स्केड। सो ये डिस्कशन हम लोग कल के क्लास को करें। कितने बचे इसमें? इसके बाद तो ऑब्जेक्टिव ही है, तो यहां तक सब लोग कर लेंगे अपने कॉपी में आज, ठीक है सर, आई होप सो, ठीक है। तो यहां पे हम अपनी क्लास को रोक देंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।